हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल पाठशाला। दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 1.9 ऑफ NBHM MSC 2017 एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें एक मैट्रिक्स ए दी गई है जो 2x2 ऑर्डर की है और जिसकी सारी एंट्रीज रियल नंबर से हैं, और आपको इसकी दो आइगन वैल्यू दी गई हैं 1 और -1। तब आपसे पूछा गया है कि ए इनवर्स ए के बराबर होगा, ए इनवर्स माइनस ए के बराबर होगा, या फिर आप ए इनवर्स के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते। तो फ्रेंड्स, अगर 2x2 ऑर्डर की कोई आपको मैट्रिक्स मिले तो आप उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल लिखते हो x²-trace(a) मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 0। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो ट्रेस ऑफ ए है वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ द आइगन वैल्यूज। तो सम ऑफ आइगन वैल्यूज कितना है, 0। तो x²-0x मतलब 0, और प्लस का डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। तो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज कितना है, -1, तो ये 0 के इक्वल होगा। अब हमें पता है केले हैमिल्टन थ्योरम से कि जो आपकी मैट्रिक्स होती है वो कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल को सेटिस्फाई करती है। तो मैं लिख सकता हूँ a²-identity=0। तो ए स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, आइडेंटिटी के। अब मैं ए इनवर्स से राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ तो a बच गया और यहाँ ए इनवर्स आ गया। तो ए इनवर्स आपका किसके इक्वल हो गया, a के इक्वल। तो जो आपका ऑप्शन a है वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर ए इनवर्स का मल्टीप्लाई किया, देखो ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर बराबर ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी। तो उससे मुझे ये मिल गया। थैंक यू फ्रेंड्स।